जम्मू में बीएसएफ के मुख्यालय पलौरा में सीमांत क्षेत्र के युवाओं के लिए मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें रोजगार स्वरोजगार हासिल करने के लिए जागरूक किया गया। इस मेले का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एंड आफ्टर ब्लॉक ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा है अमनदीप। ही कंसीव किया गया था ये प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे 9 सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं बॉर्डर एरियाज में। कोशिश यही है कि यूथ को एकेडमिक और फिजिकल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि जो रिक्रूटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, आर्मी की तरफ से भी हैं, पैरामिलिट्री की तरफ से हैं, पुलिस की तरफ से हैं, उनको एक एज मिल सके। क्योंकि कई बार देखा गया कि बॉर्डर यूथ को उस तरीके की ट्रेनिंग या मेंटरिंग नहीं मिल पाती है, तो यही हमारी एक कोशिश थी, जिसके अंदर मिशन यूथ के साथ कोलैबोरेशन में सेंटर सेटअप किए गए हैं। और हमारी कोशिश है कि इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू किया जा सके। ये फर्स्ट बैच ऑफ ट्रेनीज है जो अपनी ट्रेनिंग दिसंबर में कंप्लीट करेगा। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि जनवरी के और ऑनवर्ड्स भी इसी तरीके के बैचेस चलते रहें और दूसरे ब्लॉक्स के भी अंदर इनिशिएटिव को एक्सटेंड कर सकें। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कैंप भी आज इसी का हिस्सा है जो आज हमारा यूथ फेस्टिवल है। इसके अंदर जो चीफ सेक्रेटरी साहब, आज हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी जायजा लिया इस कैंप का। और जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को भी बढ़ोतरी देने की आज बात चल रही है, और हमारी 15 प्लेसमेंट फर्म्स जो GMDIC के जरिए और डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी कोशिश यही है कि यूथ को और प्लेसमेंट फर्म्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, जैसा कि आज का एक इवेंट है। और आगे आने वाले टाइम्स में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से यूथ को कैसे ट्रेन करके प्लेस किया जा सके।